अपना बिजनेस बढ़ाइए, करोड़ों तक पहुंचाइए। लाठीचार्ज मामले के बाद आज उद्धव ठाकरे जाएंगे जालना, घायल प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे और उनसे करेंगे पूछताछ। जालना में लाठीचार्ज सरकार की सोची समझी है साजिश, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, संजय राउत का सरकार पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में एक बार फिर लौटी बारिश, महीने भर के बाद सुबह से लगातार हो रही है बारिश, कुछ जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। सूरज के सफर पर रवाना हुआ आदित्य L1 इसरो द्वारा सुबह 11:50 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आज होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। शरद पवार जालना हुए रवाना, जालना जाकर महाराष्ट्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अजीत फडणवीस या शिंदे फेस पर नहीं, महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर लड़ेंगे चुनाव, महायुति का मिशन 48 हुआ तैयार। अगर बाप का बाप भी आ जाए तो भी मुंबई को नहीं तोड़ पाएंगे, शिंदे फडणवीस पवार ने ग्रैंड अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। नवी मुंबई में पुलिस ने शहर में छापेमारी की, 75 विदेशी नागरिकों को पकड़ा और 2 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए, यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट से हटाया अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम। थाने में गोलीबारी की घटना से दहल उठा कलवा, पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या। एक राज्य में SC ST का दर्जा तो पूरे देश में मिलेगी सुरक्षा, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मराठा आंदोलन पर लाठीचार्ज पर भड़के राज ठाकरे, कहा सरकार बनाने का मतलब उसे गिराना और दूसरी सरकार बनाना है। बेटी की शादी के बाद ही भरण पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त होगा पिता, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गणेशोत्सव के दौरान 3 दिन रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई। पहली शादी के होते दूसरी शादी करना बलात्कार है, कड़ी टिप्पणी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल गिरफ्तार, 538 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। नवी मुंबई के वासी जोगांव में पुलिस ने 6 नाइजीरियन महिलाओं को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इस हफ्ते सोने चांदी में आया जोरदार उछाल, 24 कैरेट सोने की कीमत 7,310 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 77,600 रुपए।